रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान बीजेपी कल से जन आंदोलन नहीं सहेगा राजस्थान की शुरुआत करने जा रही है। आंदोलन की लॉन्चिंग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर के बिलवा से करेंगे। कार्यक्रम से पूर्व सभा स्थल पर पहुंचकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, प्रदेश सह प्रभारी विजया रहाटकर और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने तैयारियों का जायजा लिया। जिस वादों के आधार पर ये सरकार चुन के आई, उन सब कामों में फेल कार्ड इसका जनता के बीच में जा रहा है। और ये सच है कि कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं सहेगा राजस्थान एक कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं, और राजस्थान की जनता अब सहन करने वाली नहीं है ये खुलेआम भ्रष्टाचार, ये महिला विरोधी, जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, जिस प्रकार से राजस्थान के विकास को अवरुद्ध कर दिया, जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला है, अब राजस्थान का युवा, किसान, महिला, गरीब कोई भी सरकार को सहन करने वाला नहीं है। इस लूट और झूट की सरकार को राजस्थान से हमेशा हमेशा के लिए हटाने को तैयार है। कुछ भी बोले पर ये सरकार झूठ बोलने में बहुत माहिर है, पर बार 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 झूठ बोलती है। पर जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल आंकड़े हैं, जो NCERB के आंकड़े हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और उसी आंकड़ों को बिल्कुल वो सही करने वाले अनेक अनेक घटनाएं सामने आ रही हैं। कल की जो करौली की परसों की रात की जो घटना सामने आई है, ये बहुत दर्दनाक घटना है। और इस घटना ने ये भी बताया है कि अपराधी बेलगाम है, उनको पता है कि ये सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ती, कुछ बिगाड़ने वाली भी नहीं है, तो जैसे चाहिए वैसे वो करिए। इसलिए महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, उनको गोली से मार दिया जाता है, मरती नहीं तो उनके ऊपर एसिड डाला जाता है और उसके बाद भी उनको कुएं में फेंका जाता है। राजस्थान बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने अपने जयपुर दौरे में राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष और बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया से शिष्टाचार की मुलाकात की।